आज नववर्ष के दिन पलना पुलिस चौकी के HC दयाशंकर यादव का विदाई समारोह। आज 1 जनवरी को आजमगढ़ BJP जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने दयाशंकर यादव दीवान जी को नववर्ष पर गुच्छ और साल देकर उनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दी और बड़े सम्मान के साथ विदाई की। इस अवसर पर जयदीप श्रीवास्तव महामंत्री पलना, रमा साव पूर्व मंडल अध्यक्ष पलना, हेमंत सिंह, बलवंत सिंह, पत्रकार जीत बहादुर सिंह, संतोष चौहान, राकेश चौहान आदि उपस्थित हुए थे, जिसमें पलना पुलिस चौकी के SI त्रिभुवन सिंह, SI विसर्जन सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस मौके पर प्रदीप सिंह, राहुल यादव, जय भान प्रसाद, जगनायक सिंह, संदीप पटेल, दुर्गादीप सरोज, विपिन कनौजिया सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरैया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। खुशी का माहौल है। इतने दिन की सेवा करने के पश्चात दीवान जी सकुशल सेवानिवृत्त होकर के अपने बच्चों में जा रहे हैं। ये नौ वर्ष का पहला दिन है। हमारे और हमारे समस्त स्टाफ की तरफ से दीवान जी को, उनके पूरे परिवार को मंगलमय शुभकामना और उनका जीवन हमेशा हरा भरा रहे, ये शुभकामना मैं अपनी तरफ से अपने स्टाफ की तरफ से देता हूँ। तो सर्वोपरि है और देशवासियों को भी हमारी तरफ से शुभकामना नव वर्ष की, सबका नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। सर, दीवान जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, दीवान जी के बारे में तो हम जहाँ तक समझते हैं कि यहाँ पलना मंडल में हमेशा आए हैं, बहुत ही समर्पित भाव से यहाँ पर हम लोग के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कहीं घटना घटती थी या कोई भी दुख सुख हो, हर जगह पहुंचने का काम करते थे। मैं दीवान जी को बहुत ही शुभकामना देना चाहता हूं कि आप यहां से आज जा रहे हैं हम लोग के लिए। भाई, तो आपके लिए तो खुशी होगी, लेकिन हम लोग के लिए गम का एक माहौल रहेगा। कुछ दिनों तक आपकी याद आएगी और आप आज यहां से रिटायर होकर जा रहे हैं अपने परिवार में। आज एक नए पारी की शुरुआत करेंगे हम लोग पूरे परिवार के साथ। मैं अपने और अपने पलना मंडल के सारे कार्यकर्ताओं के साथ आपके लिए शुभकामना दे रहे हैं और आपका जीवन सुखमय हो।